वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। पाकिस्तान के सर से अब तक जीत की खुमारी जो है वो उतरी नहीं है दोस्तों। मैदान पर वो लोग काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे काम कर रहे हैं जो कि स्पोर्ट्समैनशिप के सख्त खिलाफ है। हाल ही में शाहीन अफरीदी ने गेंद मारकर बैट्समैन को गेंद मारकर ये दिखाने के लिए कि भैया मैं तो तुम्हें आउट कर रहा था, जानबूझ के शाहीन अफरीदी ने गेंद मारी और वो बैट्समैन गिर गया। उन्होंने साबित कर दिया कि भैया स्पोर्ट्समैनशिप से तो उनका दूर दूर का नाता नहीं है। और अब तीसरे T20 में भी उन्होंने ऐसी हरकत कर दी कि क्रिकेट प्रेमी भी गुस्सा आ जाए, बौखला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं हूं आपके साथ तनवीर शर्मा। दरअसल मैच की आखिरी ओवर खासकर अंतिम गेंद पर बड़ा ड्रामा हुआ। अंतिम गेंद पर मोहम्मद नवाज ने चौका लगाकर पाकिस्तान को तो जीत दिला दी, लेकिन अंतिम गेंद पर जो बवाल देखने को मिला वो अब वायरल है। बता दें कि आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 8 रन बनाने थे, लेकिन पहले 5 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बने थे और पाकिस्तान ने 3 विकेट भी 1 ओवर में खो दिए थे। जाहिर है कि पाकिस्तान दबाव में था, अब उसे अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन बनाने थे। मोहम्मदुल्ला ने 6ठी गेंद फेंकी, लेकिन मोहम्मद नवाज हट गए और गेंद विकेट पर जाकर लग गई। इस पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपील की, जिसे अंपायर ने ठुकरा दिया। इसके बाद नवाज ने दोबारा गेंद डाली, उस गेंद पर चौका लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। मैच के बाद मोहम्मदुल्ला ने कहा कि नवाज अंतिम समय पर हटे, मैंने अंपायर से पूछा कि क्या ये गेंद सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंपायर के फैसले का सम्मान करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि निर्णय अंतिम होता है, यह फैसला बांग्लादेश के अंपायर तनवीर अहमद ने दिया था। बांग्लादेश के कप्तान ने रिजल्ट पर निराश जताते हुए कहा कि हम जीत के नजदीक थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, हम 1 या 2 मैच जीतने की स्थिति में थे। मालूम हो कि इससे पहले बांग्लादेश घर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में मात दे चुका है। ऐसे में आखिर गेंद पर जो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया वो बेहद ही हैरान करने वाला था। अब पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न तो मना रहा है, लेकिन सवाल भी खूब उठ रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।